Good morning, students. Welcome to Commerce Stream. As you are fresh, so let us know about the subjects which you have to study. First of all, I will teach you economics. Okay. So as I will teach you economics, let us know which are the books which we have to study in economics. There are two parts in economics. Part one. Your first part is statistics. And your second part is your microeconomics. Okay, for these two parts we will refer TRJN and VK only. Okay, TRJN VK only. ठीक है बच्चों, आपको इन दोनों बुक्स के लिए जो आपकी फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट है जो कि है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड योर माइक्रोइकोनॉमिक्स, इन दोनों के लिए आपकी TRJN वीके ओडी की बुक चलेगी. ठीक है, इसी से हम पढ़ेंगे. सो नाउ सिंस योर फर्स्ट पार्ट इज योर स्टैटिस्टिक्स, सो लेट अस स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स. ओके, चिल्ड्रन, एज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सो लेट अस नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स. Okay, economics is that social science which deals with human behavior. Okay, what is economics? It is a social science which deals with human behavior. Okay, जैसे कि economy, economy के इसमें हम रह रहे हैं. Okay. अब इकोनॉमी में हम रह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स क्या है? वो सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर में डील करता है, क्योंकि इकोनॉमी में ह्यूमन बींग्स रहते हैं, हम लोग रहते हैं, तो हमारे क्या बिहेवियर्स है उसको इकोनॉमिक्स स्टडी करता है. अब हमारे क्या बिहेवियर से मतलब क्या है कि जैसे कि हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, वी हैव आवर वॉन्ट्स एंड वी विश टू फुलफिल दोज वॉन्ट्स. ओके, सो वी हैव व्हाट? वी हैव आवर वॉन्ट्स. सपोज लेट अस सपोज देयर इज मिस्टर एक्स. ओके, नाउ दिस मिस्टर एक्स हैज वॉन्ट्स. ऐसा नहीं है कि ये वॉन्ट जो है एक ही चीज़ की उसकी ज़रूरत होगी कि हाँ मुझे कार लेना है या मुझे अच्छी सी ड्रेस लेनी है, बस इतना ही क्या इतना सफिशियंट होता है? आप ही अगर इस मिस्टर एक्स की जगह अपने आप को रख के देखिए तो आप क्या कहेंगे कि हाँ सिर्फ मुझे कार मिल जाए, अच्छी ड्रेस मिल जाए, दैट इज सफिशियंट फॉर यू? नो, यू विल से वी हैव टू स्टडी ऑल्सो, वी नीड कार ऑल्सो, वी नीड नाइस ड्रेस ऑल्सो, वी नीड अ हाउस ऑल्सो, वी नीड गुड लाइफ स्टाइल ऑल्सो, वी नीड अ लॉट ऑफ थिंग. इट मीन्स योर बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड. इट मीन्स एवरी ह्यूमन बींग हैज अनलिमिटेड बॉन्ड्स. हर एक व्यक्ति की जो जरूरतें होती हैं वो अनलिमिटेड होती है. ठीक है ना? अब क्या है कि ओके वी हैव अनलिमिटेड बॉन्ड्स, नाउ हु विल फुलफिल दीज अनलिमिटेड बॉन्ड्स? Suppose we need a car. Where will we go? We will go to the shop and purchase car. तो ये car हमको कहाँ से मिली? दुकान से. और दुकान पे car कहाँ से आई? From the factory. और factory से? Factory पे car कैसे आई? With the help of the producer. It means our wants are fulfilled by the producer. Okay, so the producer studies what are the wants of the human. Okay, and according to their wants he tries to fulfill our wants. Okay, ab producer ne kya kiya? Producer ne dekha ki logo ko jo hai car ki zarurat hai. Usne kya kiya? Car ke liye
ने कार के लिए कुछ चीज़ों को लिया, मतलब कार के लिए जो भी मटीरियल जरूरत होंगी इसकी, जैसे रॉ मटीरियल है, ओके, ही नीड लेबर आल्सो, फॉर द फैक्ट्री ही नीड्स लैंड आल्सो, ऑफ कोर्स कैपिटल, सो ही नीड्स ऑल दिस थिंग टू मेक अ कार, ओके। तो क्या है इकोनॉमिक्स में, क्या है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इट मींस इट स्टडीज द व्हाट आर द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड हाउ इट इज फुलफिल्ड बाय द प्रोड्यूसर, ओके, दिस इज इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स होता है। अब क्या है नाउ, स्टैटिस्टिक्स। अब अगर हम कहें कि हमको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने
पढ़ने की जरूरत है तो स्टैटिस्टिक्स की जगह अगर हम इंग्लिश की बुक ले लें तो क्या इंग्लिश की बुक हमको स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन देगी? नहीं देगी, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इन इंग्लिश देयर विल बी स्टोरीज एंड वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश दोज मटीरियल्स विल बी इन इंग्लिश, ओके। और स्टैटिस्टिक्स में क्या है? इन स्टैटिस्टिक्स यू विल गेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच इज नीडेड फॉर द स्टैट्स, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स की बुक में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इंग्लिश की बुक में नहीं मिलेगी। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स के पास जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसमें यूटिलिटी है टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमको प्यास लगी है, तो प्यास लगी है तो प्यास बुझाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की। इसका मतलब पानी में क्या है? इट हैज़ अ पावर टू सेटिस्फाई द नीड फॉर टू क्वेंच अ थर्स्ट, ठीक है ना। हमारी प्यास बुझाने की जो पावर है किसके अंदर है? पानी के अंदर है, वो और किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इट हैज अ व्हाट इज कंजम्पशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग द यूटिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स में जो सेटिस्फाई करने की जो पावर है उसको जब हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है उस जरूरत की वजह से हम उसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदते हैं। हमको पानी पीने की जरूरत है तो हमने जाके पानी लिया, हमें स्टैट्स पढ़ने की जरूरत है तो हमने जाके स्टैट्स की बुक खरीदी, ठीक है। हमें बैठने की जरूरत है तो हमने जा करके चेयर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमको जिस चीज़ की जरूरत पड़ रही है उस चीज़ के लिए वी आर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ओके। दैट इज नोन एज कंजम्पशन। कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द यूटिलिटी ऑफ गुड्स, क्लियर है? नाउ Now, who is producer? Producer is one who produces goods. Producer is one who produces goods and services for the generation of income. Producer is one who produces goods or provides goods and services for the generation of income, ठीक है। Producer वो है जो देखते हैं कि हमारी economy में लोगों की क्या demand है, उसके according वो goods और services provide करता है with a motive of generating an income। ऐसे ही तो कोई किसी को कोई चीज़ provide नहीं करेगा। Suppose अगर आप जो है suppose you are studying, take an example of your studies, you are studying for what? For scoring good marks, for your perfection in your life, आप अपनी life को perfect करना चाहते हैं, आप अपनी knowledge को बढ़ाना चाहते हैं, you want to score good marks, इन चीज़ों के लिए आप क्या कर रहे हैं? Study कर रहे हैं। It means you are putting an effort for what? For to getting, to get something, okay? कुछ पाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं। सो ऐसे प्रोड्यूसर का भी है, दे हैड अ एम ऑफ गेटिंग इनकम एंड ऑल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनका एक और लक्ष्य होता है, क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके। तो इस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो क्या करते हैं? इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। एंड बाय प्रोवाइडिंग दिस गुड्स एंड सर्विसेज दे जनरेट एन इनकम एंड दे गेट देयर profit, which is their aim, okay. Now our next concept is production. Production, it is the process of converting raw material into
कई बार सुना होगा, ठीक है। तो इतना आप जानते होंगे कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं, यूज रॉ मटेरियल्स एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ यूजफुल थिंग, ओके, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेविंग। इनकम का वो हिस्सा है जिसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं, सेव करते हैं। तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम। हम सेविंग को खर्च नहीं करते हैं, उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, उसको सेव करते हैं, फ्यूचर के लिए बचाते रखते हैं। एट प्रेजेंट में हम उसको खर्च नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट टर्म इज इन्वेस्टमेंट।
नाउ नाउ लेट अस कम टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक related to the use of scarce means which is related to the use of scarce means. Now, what is this scarce means? Scarce means मतलब हमारी जो bonds है वो तो unlimited है, ये हमने पढ़ा. Okay, we have studied that our bonds are unlimited. We have bonds which is unlimited. एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज एक आदमी है मिस्टर एक्स, लेट अस टेक मिस्टर एक्स, ही इज रिच, बहुत अमीर है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ऑफ कोर्स ही हैज अनलिमिटेड बॉन्ड्स आल्सो. अब इसके पास पैसे भी बहुत हैं, इसके पास बॉन्ड्स भी बहुत ज्यादा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो दुनिया की सारी चीजें खरीद सकता है, जो कुछ भी वो चाहता है वो सब कुछ ले सकता है? नहीं, नहीं ले सकता. क्यों? बिकॉज देयर आर limited resources. There are limited resources. Let us say in the means of his income also. ठीक है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, लेकिन कितने पैसे हैं? सारी दुनिया की सारी चीज़ें वो तो नहीं ले सकता है ना, कहीं तो उसकी इनकम की लिमिटेशन होगी. ठीक है, तो क्या है कि उसको कहते हैं means मतलब limited resources. इसको हम deep में आपकी micro की book में पढ़ेंगे. ठीक है, ये कुछ terms हैं जो कि definition में ही, यहाँ पे सिर्फ definitions में ही पूछे जाते हैं. deeply में इसको हम micro economics में पढ़ेंगे, तो आप बच्चों ज़्यादा परेशान मत होइएगा, इसकी definition तक ही जाइएगा, but deep में इसको हम micro में समझेंगे. ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है. ओके, वाइड कॉन्सेप्ट है, तो पहले आप इसकी डेफिनेशंस को समझ लीजिए, फिर हम इसको डीप में जाएंगे. ओके, तो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट इज एन एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कर्स मींस. लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोगों तक तो कैसे प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, उसमें जो एक्टिविटीज लगती है उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब योर प्रोडक्शन, हम प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें? लोगों की बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम क्या दें उनको? जो वो मांग रहे हैं हम सारी चीज़ें तो उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम क्या प्रोड्यूस करके दें? और कंजम्पशन के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन हम सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर सकते, तो हम क्या कंज्यूम करें? ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में क्या है, इस लिमिटेड मीन्स को सोचते हुए जब हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं concepts of economics. okay, ये definitions तक ही आपको पढ़नी है. in the next video